समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण की इनकम टैक्स की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इनकम टैक्स की जांच में यूनिवर्सिटी निर्माण में लगे करीब 450 करोड़ रुपए के हिसाब किताब में गड़बड़ी मिली है। यूनिवर्सिटी निर्माण में दान देने वाली कई कंपनियों और लोगों ने यूनिवर्सिटी को चंदा देने की बात से इनकार कर दिया है, जबकि चंदा देने वाली कई कंपनियां अस्तित्व में नहीं हैं। इनकम टैक्स ने अपनी जांच रिपोर्ट ईडी को भेजी है। ईडी पहले से ही जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण की जांच कर रहा है। कुछ महीने पहले ही इनकम टैक्स ने ईडी से इस मामले की जांच करने के लिए खत लिखा था। इनकम टैक्स की रिपोर्ट को अपनी ईडी भी अपनी जांच में शामिल कर सकती है। यूनिवर्सिटी निर्माण में 2 इमारतें बनाने की मंजूरी मिली थी, जबकि 2 इमारतों की मंजूरी पर 59 इमारतें जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बनाई गई। तब यूनिवर्सिटी की लागत 46 करोड़ रुपए बताई गई थी, जबकि आकलन में यह लागत करीब 494 करोड़ रुपए निकली है। निर्माण में 88 करोड़ रुपए जल निगम लोक निर्माण विभाग के भी लगाए जाने की बात सामने आई है। बीते दिनों इनकम टैक्स ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में जुटाए गए तथ्यों के आधार पर इनकम टैक्स ने जांच रिपोर्ट तैयार की थी। उधर एसपी नेता उदयवीर सिंह ने इस कार्रवाई को सरकार की साजिश करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। 7 साल से आजम साहब और उनकी तरह के मजबूत लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, संघर्ष करने वाले नेताओं के पीछे पूरी भारत की सरकार, केंद्रीय एजेंसियां पड़ी हुई हैं। आजम साहब का तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। उन्होंने जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई उसको नष्ट करने की, उसको नुकसान पहुँचाने की लगातार कोशिश की गई है। आम आदमी से हम ये आशा नहीं करते कि वो इतने बड़े सरकारी तंत्र से लड़ पाएगा। हो सकता है कुछ लोगों से दबाव में कुछ खेलवा लिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट है कि एक विश्वविद्यालय बनाया गया है जो जनता के लिए है,